दुनिया के दो देशों से इस वक्त चीख और पुकार की आवाजें ही आ रही हैं। सीरिया और टर्की 100 साल की सबसे बड़ी तबाही झेल रहे हैं। इस तबाही ने दोनों देशों को कई साल पीछे धकेल दिया है। टर्की में 4 भूकंप के झटकों ने 6,000 से ज्यादा बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया। तुर्की के 10 से ज्यादा राज्य भूकंप की वजह से प्रभावित हैं। मलबे के अंदर से लाशों का निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। तुर्की में मरने वालों की संख्या 4,000 से ज्यादा हो गई है, तो करीब 1,500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 15,000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। इतनी बड़ी तबाही ने तुर्की को मुसीबत में डाल दिया है। 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान 2 दिनों में हो गया है। यही हाल सीरिया का है, वहां 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तुर्की रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, लेकिन हालात इतने भयावह हैं कि अब उसके अकेले की बस की बात नहीं है कि वो हर राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन चला सके, लिहाजा वो मदद की गुहार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की की मदद के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों को वहां भेज दिया है। सेना का मेडिकल स्टाफ भी तुर्की में घायलों की मदद करेगा। तुर्की में तबाही का मंजर कैसा है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तुर्की में भूकंप के 40 घंटे बाद तक 243 आफ्टर शॉक आ चुके। तीन बड़े झटकों ने तुर्की में तबाही मचा दी। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। बिल्डिंगों के गिरने के बाद धूल का गुबार आसमान को ढक लेता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुर्की के दक्षिणी प्रांत कहरामन मारस में मलबे का ढेर लगा, हर तरफ चीख पुकार मची। तुर्की में पहला भूकंप सोमवार की सुबह 4:17 पर आया। ये भूकंप दक्षिणी तुर्की में सीरिया सीमा के पास गाजियांटेप में आया था। इसकी तीव्रता 7.8 थी। दूसरा भूकंप 9 घंटे बाद आया, जिसकी तीव्रता 7.5 थी। तीसरे भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 थी। 12 घंटे के अंदर ही तुर्की में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। मंगलवार सुबह भी तुर्की में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। तुर्की में 24 घंटे के अंदर भूकंप के 4 झटके आ चुके, तो वहीं 243 आफ्टर शॉक भी तुर्की में आ चुके। तुर्की के 10 से ज्यादा प्रांतों में भारी तबाही हुई है। यहां 6,217 से ज्यादा इमारतें धराशायी हो गई। मंगलवार सुबह से अब तक तुर्की में 2,500 से ज्यादा लाशें मलबे से निकाली जा चुकी है। इससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,825 तक पहुंच गया। तुर्की में 15,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। जगह जगह ढही हुई इमारतों का मलबा, मलबे से निकलते शव, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की गाड़ियों के गूंजते हुए सायरन, इस शोर से निकलती हुई चीखें, ऐसे हालात इस वक्त तुर्की के बने हुए हैं। भूकंप सुबह 4 बजे आया, उस वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों पर सो रहे थे। ऐसे में जब भूकंप आया और इमारतें गिरी, उन्हें जान बचाने का कोई मौका नहीं मिला। पल भर में इमारतें ढह गई और घरों पर सोते लोग मलबे में दब गए। ढही हुई इमारतों के मलबे से शव निकलते जा रहे हैं। जो जिंदा हैं उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। रेस्क्यू टीम, फायर फाइटर्स, मेडिकल टीम और 3,500 सैनिक लोगों को बचाने में जुटे। उत्तरी तुर्की के जिन इलाकों में भूकंप आया वो घनी आबादी वाले थे। तुर्की दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाकों में से एक माना जाता है, जहां ज्यादातर इमारतें पुरानी हैं और कंक्रीट से बनी हैं, लिहाजा ज्यादा नुकसान हुआ है।
तुर्की का अदाना शहर, यहाँ भूकंप की वजह से भारी तबाही मच गई। जहाँ तक नजर जाएगी बस बर्बादी का मंजर नजर आएगा, हर तरफ बर्बादी के निशान मौजूद हैं। भूकंप की वजह से अदाना शहर की कई बिल्डिंगें गिर गई हैं। मलबे के नीचे अभी भी लोग दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। बेडरूम वहीं पर था, अब कुछ भी नहीं है। मेरा पोता 18 महीने का है, उसकी मदद करें। हम उन्हें सुन नहीं सकते, सुबह से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। वो 12वीं मंजिल पर थे, हम मेरे परिवार मेरे पोते तक नहीं पहुंच सकते। ये 7वीं मंजिल है, मैं अपने भाई की पत्नी ढूंढ रहा हूँ। अंदर मेरे 2 भतीजे हैं। मेरे भाई की पत्नी कल रात मेरे घर मेहमान आई थी, वो बिल्डिंग के इस कोने में है, हमने उसे देखा। ऊपर वाला रहम करे। अदाना के लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अपना घर छोड़कर शेल्टर होम में रह रहे हैं। भूकंप के बाद मेरी पत्नी डर गई थी, इसीलिए हम घर वापस नहीं जाना चाहते थे, ना ही मेरे बच्चे। हमारा परिवार यहाँ शेल्टर होम में रहने आया था। भूकंप कितना भयानक था, उनके अपने आंखों के सामने मलबे में ढेर हो गए, वो कुछ नहीं कर सके। अदाना में एक शख्स का पूरा परिवार ही भूकंप की भेंट चढ़ गया। परिवार में कुल 11 सदस्य थे, सभी की मौत हो गई, बस परिवार में अकेला बचा है। My cousin, son, mom, and dad, uncle, wife, nephews. We are so feeling bad, you know. They got a lot of places, buildings fell down, lots of people die. In here almost like 45-50 people die here, you know. Couple of them, they don't die, but almost 50 people die here. जो हाल अदाना का है वही आलम तुर्की के कहरामन मारस शहर का है। भूकंप ने यहाँ भी भारी तबाही मचाई है। जलजला कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप सड़कों पर पड़ी इन दरारों से लगा सकते हैं। कुदरत के इस कहर से पूरा शहर सहमा हुआ है। इन सब के बीच जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। रेस्क्यू टीम ने कहरामन मारस की एक बिल्डिंग के नीचे दबे एक शख्स को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन अभी भी इमारत के मलबे में कई लोग फंसे। मेरे 2 पोते, मेरी बहू, सब अंदर है, बाहर नहीं आए हैं। लड़की 2 साल की है, लड़का 6 साल का है। तुर्की में भूकंप ने कैसी तबाही मचाई, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाई। .8 तीव्रता वाले भूकंप ने तुर्की के शहरों में बड़ी 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 इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। तुर्की में आए भूकंप से जुड़ी एक एक तस्वीर डराने वाली। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऐसे गिर रही थी जैसे रेत पर बने घरों से ढहते। अब जरा बर्फ में गिरती इस हाई राइज बिल्डिंग को देखिए और अंदाजा लगाइए कि भूकंप ने कितनी बड़ी तबाही मचाई। तुर्की में भूकंप और उसके आफ्टर शॉक की वजह से अब तक कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, जिसमें कई रिहायशी इमारतें जबकि कई ऑफिस कॉम्प्लेक्स। बिल्डिंग के अंदर दबकर कई लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। मौत के इस मंजर के बीच ये मासूम बच्चा मलबे से बाहर निकला तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। अपनों की तलाश में लोग इधर उधर भटक रहे हैं। रेस्क्यू टीम लगातार बिल्डिंग के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम कर रही है। कोई जिंदा निकल रहा है तो किसी की डेड बॉडी निकाली जा रही है। तुर्की और सीरिया से आ रही एक एक तस्वीरें दिल दहलाने वाली। बड़ी बड़ी इमारतें जमीन दोज हो चुकी हैं। हजारों लोग मौत के आगोश में सो चुके हैं। हजारों जिंदगियां अभी भी मलबे के नीचे दबी हुई हैं। हर तरफ दर्द और बेबसी का आलम।
तुर्की में भूकंप ने सदी की सबसे भीषण तबाही मचाई। सैकड़ों नई पुरानी इमारतें, सैकड़ों साल पुराने किले सब इस जलजले की जद में आ गए। भूकंप के एपिसेंटर गाजियांटेप में 2500 साल पुराना रोमन साम्राज्य के दौर का एक किला भी तहस नहस हो गया। तुर्की में आए भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियांटेप शहर था। ये सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। इसके आसपास के इलाकों में ज्यादा तबाही हुई है। भूकंप से तुर्की के अंकारा, गाजियांटेप, कहरामन मारस, डियाबरकर, माल्टिया, नूरदगी समेत 10 शहरों में भारी तबाही मची है। वहीं सीरिया के दमिश्क, अलेप्पो, हमा, लताकिया समेत कई शहरों में भूकंप का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें सीरिया के शहर अलेप्पो की, जहां जलजले ने भयानक तबाही मचाई। पहले से ही गृह युद्ध की आग में जल रहे सीरिया पर ये डबल कहर है। हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही है। सैकड़ों लोग बिल्डिंग के नीचे दबकर मारे जा चुके हैं और अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। मेरे चचेरे भाई का एक पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनका बेटा, ये सभी मर गए। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें मलबे के नीचे से निकाल लिया गया। 2 लोगों को जीवित निकाल लिया गया और अब वो अस्पताल में है। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में भर्ती कराया गया और उनकी हालत ठीक है। अल्लाह उन पर रहम करे। लोग उस वक्त को याद करके सिहर उठ रहे जब भूकंप ने उनके पैरों तले जमीन निकाल दी थी। हम सो रहे थे, सुबह 4:15 बजे इमारतें हिलने लगी और जब हम सो रहे थे तब हमारे नीचे की जमीन हिलने लगी। हमने बाहर जाकर 2 गिरी हुई इमारतों को देखा। हमने लोगों को बाहर निकालना शुरू किया और हमने चीखें सुनी, लेकिन हमें पता नहीं चला, हमने किसी को नहीं देखा। वो सभी मलबे के नीचे थे। तुर्की में आई तबाही की वजह से अब उसकी इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। करेंसी लीरा में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। $1 के मुकाबले 18.83 लीरा हो गई। महंगाई दर 57% के करीब है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बढ़ने से लोग परेशान हैं। घर का किराया 19,700 से 131,000 रुपए पहुंच चुका है। तुर्की में भूकंप की वजह से अब तक करीब 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन भूकंप की वजह से तुर्की में हालात और भी खराब हो सकते हैं। बिल्डिंग और दूसरे स्ट्रक्चर के डैमेज होने से भारी नुकसान हुआ है। फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन लॉस से सामान एक्सपोर्ट में देरी होगी। पावर सप्लाई डिस्ट्रप्शन से लाइफलाइन सर्विस ऑपरेट करना मुश्किल। रेवेन्यू घटेगा और पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंस बढ़ेंगे। चोट, मृत्यु या नौकरी जाने से घरेलू आय का नुकसान। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या हर घंटे बढ़ती जा रही है। तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तुर्की मुसीबत में। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लिहाजा मदद का पहला हाथ भारत की ओर से बढ़ा है। ये तस्वीरें तुर्की के अदाना की, जहां भारत का C-17 ग्लोब मास्टर राहत सामग्री के साथ पहुंच चुका है। भारत ने अब तक तुर्की में NDRF की 2 टीमों को भेजा है। पहली टीम में 51 मेंबर है, दूसरी टीम में 50 मेंबर है। पहली टीम में स्पेशल ट्रेन डॉग स्क्वाड भी है, ड्रिलिंग मशीन, राहत सामग्री और दवाइयां भी हैं। दूसरी टीम 50 मेंबर की है, एक NDRF डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, खोजी कुत्तों का दल, राहत और बचाव उपकरण। भारत ने तीसरी टीम इंडियन आर्मी की भेजी है। इंडियन आर्मी के मेडिकल टीम के 99 सदस्य रवाना हुए हैं। पहली टीम NDRF की 51 रेस्क्यूज के साथ में आज सुबह 3:09 पर यहां से रवाना हुई। इंडियन एयरफोर्स का प्लेन उनको लेके गया है, उसमें हमारी तमाम इक्विपमेंट है और केनाइन स्क्वाड भी है और 5 महिला रेस्क्यूज भी साथ गए हैं और 3 गाड़ियां हमने साथ भेजी हैं, क्योंकि गाड़ियों की वहां थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये टीम इस तरह तैयार होकर यहाँ से सुबह 3 बजे रवाना हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।